जो दो मुलजमान हैं, इनका आपसी रिश्ता क्या है और इनका उस विक्टिम से क्या रिश्ता था, वो इन्हीं के मुंह से सुनवाते हैं। क्या नाम है भाई? मोहम्मद उमर आबिद। मोहम्मद उमर आबिद। उमर आबिद, उम्र कितनी है? मेरी 22 साल उम्र है। 22 साल। तुम्हारे कितनी उम्र है? मेरी लमसम बता दे, मैंने शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाना। 46 साल। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? आबिद अली। आबिद अली, तुम दोनों का आपस में रिश्ता क्या है? बाप बेटा है। तुम दोनों बाप बेटा हो। तुमने जो कुछ किया, तुमसे तुम्हें बाद में पूछती हूँ, पहले मैं तुम्हारे बेटे को पूछ लूँ। हाँ भाई, गैंगस्टर बनने का शौक है? मेरा नाम मोहम्मद उमर आबिद है। मैंने पूछ लिया है, मैंने इसके बाद तुम्हारा कोई राशन कार्ड नहीं बनवाना, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ गैंगस्टर बनने का शौक है? नहीं। कोई डॉन बनने का शौक है? डॉन बनने का। फिल्मों से इंस्पायर हो? नहीं। तो जो कुछ किया ये तुमने, कोई फूल फेंक के किसी के ऊपर? इकराम फौजी है जी, हमारे घर में इसका आना जाना बहुत ज्यादा। भाई अगर तुम्हें कोई नहीं पसंद तो उसका आना जाना बंद कर दो ना। उसका आना जाना बंद किया था। अच्छा, वो फिर भी हमारे घर में आता था, उसके हमारी माँ के साथ नाजायज ताल्लुकात है। शर्म करो, कितनी बड़ी, कितना बड़ा इल्जाम तुम अपनी जन्नत पे लगा रहे हो। हमने उसको रोकने की बहुत कोशिश। तुमने आंखों से देखा ये सब? ये हमारे दादा अबू ने देखा है। तुमने देखा है? नहीं, हमने नहीं। तुम्हारी माँ तुम्हारी जन्नत है, अंदाजा है इस बात का? बिल्कुल, ये बात भी ठीक है आपकी, लेकिन हमने तो रोका है उसको। तुम्हें जो घर के बाकी लोग कह रहे हैं, तुम्हारा तुम अपनी माँ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो जिसका तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, और अगर बिल फर्ज अल्लाह ना करे ऐसा कोई सबूत भी होता तो तुम्हारी जुबान लड़खड़ा जाती इस बात पे। तो वो खुद मान रही है इस बात को, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? वो खुद मान रही है, दबाव में है, प्रेशर में है या नहीं मान रही, वो बात की बात है। तुम्हारे लिए वो क्या है? जन्नत है ना? बिल्कुल। उसने पैदा किया है, उसके पैदा करने का वो देन तुम नहीं दे सकते जिस तकलीफ से वो गुजरी है जी। बिल्कुल। तुम तो उसके आगे ऊंचा भी बोलो तो तुम्हारे लिए सजा है। ये क्या है? तुम्हें जंगल है ये? हमने जंगल है ये। इससे पहले इसी मामले में हमारा एक कत्ल भी हो गया था, हमारे दादा अबू की डेथ हो गई थी इसी मामले में। तो इंस्पायर हो गए हैं? नहीं, वो मैं क्या बनने क्या क्या बनना चाहते थे? ये कोई सियासत है जो विरासत दर विरासत तुम लोगों ने ये लड़ी अपना ली है? लड़ी नहीं अपनाई, वो इसी वजह से कत्ल हुआ है कि इनको रोका था, पहले इनके मामला थे, देखे थे उसने खुद अपनी आंखों से। ओ भाई, शर्म का मुकाम है किसी दूसरे के कहने पे। पहले तो तू अपनी माँ पे इल्जाम लगा रहा है, उसके बाद तेरी वालदा इस बात से डिनाई करती हैं, उसके बाद लोगों की बातों में लग के, चाहे वो तुम्हारे घर के रिश्तेदार है, तुम्हारा सो कॉल्ड दादा या जो भी है, तुमने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। शर्म करो, ये शायद अल्लाह ने तुम्हें सजा दी है कि तुम जो माँ के साथ कर रहे हो उसी की सजा है कि रुस्वा हो रहे हो। हमने उसको रोक के, हमने कहा तुम चले जाओ हमारे, हमने इनके वडेरों का सबको बताया। तुम्हारी सोच फिर भी वही है कि मैंने रोका है, कोई मेरे दरवाजे से नहीं रुकेगा, ये लो मैं ये कर दूंगा। हमने इनको बोला, इनके वडेरों को, हमने अपने इनके भी मामू लगते थे, हमारे भी मामू लगते थे, हमने उनको कॉल किया, हमने कहा इसको ले जाओ, हमारी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। उसने इनको समझाया, ये लड़ाई झगड़े में ये करोगे बात तो सुने, लड़ाई झगड़े में थप्पड़ समझ आता है, किसी को धक्का समझ आता है, ये जो तुमने किया ये लड़ाई झगड़े में करते हो। तो हमने उनको बोला, उन्होंने आगे एक ही बात बोलिया, नहीं मानते तो इनकी इसकी टांगे बाजू तोड़ के घर से बाहर निकाल दो, इसने तो हमारी इज्जत नहीं रखी, इसने तो कोई इस तरह की काम किया, कोई इस तरह की बात मिसाल के तौर पे कर दे कि ऐसे कर दो, तुम्हें भी कोई कहे, तुम्हारे बाप ने कई दफा कहा होगा तू बाहर गया मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, तोड़ दी? नहीं, हमने इसको बहुत रोकने की कोशिश की बाजी, लेकिन ये माना ही नहीं। तो इसका हल ये था। तो मेरा पहला सवाल है तुमसे कि क्या हो, गुंडे हो इलाके के? नहीं, मैं गुंडा नहीं हूँ। फिर क्या हो तुम्हें? नहीं, क्या तुम्हें अल्लाह ने इजाजत दी है सब करने के? मैंने इज्जत की खातिर, ये कौन सी इज्जत है? मैंने इज्जत की खातिर अपने महफ़ूज़ के लिए ये काम किया। तुम्हारे पास हर बात की जस्टिफिकेशन, अपने अमल की जस्टिफिकेशन, तुम्हें नदामत नहीं है? पूरी दुनिया के सामने 22 करोड़ से ज्यादा अवाम के सामने तुम शर्मिंदा हो रहे हो इस वक्त? हमने तो उसको रोकने की, तुम्हें इस वक्त शर्म है? शर्म है कि इस वक्त 22 करोड़ अवाम जो टीवी देख रही होगी वो तुम्हें लानतान कर रही होगी? हमने तो इसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये हमारी बात, यानी कि कोई तुम्हारे दरवाजे से नहीं रुकेगा तो तुम उसके साथ ये करो। हमने इसको रोका, मैं जो पूछ रही हूँ, जब हमने इसको, मैं जो पूछ रही हूँ, हम इज्जत की खातिर अपनी जान दे भी सकते हैं, दूसरों की ले भी सकते हैं, हम इज्जत की खातिर ये काम करते हैं। शर्म तो तुम्हें फिर भी नहीं आ रही? इसने हमें बेइज्जत किया, वो क्या कम है? तुमने अपने आप को खुद बेइज्जत किया है। इसने हमें की करवाया, तुमने खुद बेइज्जत किया, तुमने उसको एक अपाहिज कर दिया है, मफलूज कर दिया है, उसकी जिंदगी से खेल गए हो, अभी कहते हो कि बेइज्जत उसने किया। हमने, हमारा ऐसा कोई काम नहीं था, हमने सिर्फ उसको, हमने, हमारा ये काम था कि हमें इसे सिर्फ मारेंगे, इसको भगा देंगे, घर से दफा कर देंगे, लेकिन ये मेरे वालिद साहब ने, ये तुम्हारे वालिद ने उकसाया, मेरे अंकल ने। नाज़रीन, इसके सो कॉल्ड फैमिली मेंबर्स ने, इसके वालिद ने, अंकल ने उकसाया,
गैरत के नाम पे ये जान दे सकते हैं, ले सकते हैं, वो अमली मुजाहरा आप देख चुके हैं। अहल इलाका की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद वापस आएंगे इसके वालिद की तरफ, जिन्होंने उकसाया और ये नहीं देखा कि मेरा जवान साला बेटा, मैं उससे जो कुछ करवाने जा रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि वो शख्स दुनिया से चला जाए तो मेरा बेटा फांसी पे भी चढ़ सकता है, लेकिन अपनी अना की खातिर, सो कॉल्ड गैरत की खातिर इन्होंने ये सब कुछ किया। आबिद साहब, अपने बेटे को उकसा के इस नहज तक पहुँचा दिया, आज तुम्हारा बेटा फांसी चढ़ जाए तुम्हें कोई दुख नहीं है? दुख है, है? अपना बेटा इसलिए बताओ जो कुछ सच है। तो वो झूठ बता रहा है, तुम्हें कुछ ज्यादा गुस्सा नहीं है? हाँ, इसका मतलब है तुम्हारी अपनी की धरी है सब कुछ, माँ का ख्याल नहीं किया, बाप का तो कर ले। माँ का ख्याल किया था, ये माँ का ख्याल किया है? माँ का ख्याल किया था, पहले एक माँ की वजह से कत्ल हो गया था। हाँ, आप इलाके वालों से पूछ सकती है, तुम जो ये बातें कर रहे हो ना, तुम अल्लाह के आगे इसके देनदार हो, कुछ शर्म कर लो थोड़ी सी। इलाके में जा सकती है? मैंने इलाके से पूछा है, आप जितने, मैंने सबसे पूछा है, चले ना मुझे मेरे सामने पूछे। तुम जो यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हो, तुम इलाके वालों को कितना डराते होगे? आप मेरे साथ और क्या कर रहे हो? ये मैं जिधर मर्जी जाए और क्या कर रहे हो? ये तुम बाप को बात क्यों नहीं करने दे रहे? वो करे वो बाद में। अब जुबान बंद रखना अपनी। इसके दिल में जितना जहर है ना और जुबान से ये उगल रहा है, ये सब तुम लोगों का किया धरा है। वो माँ है इसकी, अगर तुम्हें उससे कुछ जाती रंजिश थी, तुम्हारे पास इख्तियार था, उसे तलाक दे देते, उसे अपने निकाह में रख के अपनी कौन सी तस्कीन पूरी कर रहे थे, छोड़ देते अगर वो तुम्हारे हक में ठीक नहीं थी तो। यही इल्जाम है ना तुम्हारा, जो कि मुझे इसमें कहीं से सच्चाई नजर नहीं आ रही। जवान बच्चों की माँ इस नहज तक नहीं जा सकती उम्र के जिस हिस्से में है वो। और अगर तुम्हारे दिमाग का कोई फतूर था तो तलाक का हक था ना पास, था ना, तो क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? काय की गैरत है ये? क्यों करवाया ये सब? मुंह से बोलो। ये तू क्यों नहीं बोलता यार? क्या चाह रहा है, क्या चाह रहा है? पूछे इससे, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तुम्हारा खूनी रिश्ता है ना, इस वक्त बिल्कुल डरा हुआ है, बिल्कुल बात नहीं करता ना किसी को, बोल रहा है। काय का डर है? करते हुए डर नहीं लगा? पहले उधर करते हुए डर नहीं लगा? मर्द तो वो जिसने कर लिया माने? नहीं, मैं तो मान रहा हूँ ना। तो तुम्हें फंसा रहा है फिर? तो वो भी अब उससे पूछे वो मानेगा? क्यों भाई, बेटे को फंसा रहे हो? बताओ सब बात बताओ। नहीं फंसा रहे, जो किया सच सच बताओ। क्यों मना किया हुआ था? बता, उसके तालुका अच्छे नहीं थे यार, बता। उसे बोलने दो कि मुंह में लफ्ज डालना है, एक-एक क्यों दागदार कर दिया उसकी जिंदगी? बता यार, क्यों की है? मामला हुआ था, बोल। क्यों की है? बोल ले यार। करते हुए तुम दिलेर थे, मर्द थे, सब कुछ थे, अब क्या हुआ? जो मामला हुआ बोल ले यार। हाँ? मना की नहीं है। तो ये तो चार बार सुन चुकी हूँ मैं, क्यों? आगे क्या हुआ बता। क्यों? लड़ाई झगड़ा हुआ। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ उसे मना क्यों करते थे? अल्लाह को जान देनी है, आंखों से कुछ देखा है? आंखों से देखा था, सोचा था, बताओ। आंखों से देखा था या सिर्फ दिमाग में सोची थी ये बात? क्या पूछ रही हूँ मैं? तीरा तोड़ के नहा रही थी इस बात। तो अगर कोई नहा रहा है तो इसका मतलब है कि कोई गलत है। गर्मियों का मौसम है, हो सकता है गर्मी की वजह से नहा रही हो, उठ के तहज्जुद पढ़नी हो या नमाज पढ़नी हो। तुम्हारी एक बच्ची घर पे, उस वक्त उसकी टांग टूटी हुई है ना, माँ है वो उसकी, हो सकता है उसके लिए दुआ करनी हो उसने। जो उस दिन किया वो बताओ। उसे मारा। अच्छा, तुम्हारे बेटे ने क्या मारा? डंडा मारा। सिर्फ डंडा? इसके अलावा इसका कोई अमल दखल है? नहीं, छोटे मारे। अच्छा, फिर? फिर छोटे मारे। फिर तुमने क्या किया? मैं भी छोटे मारे।
तो फिर ये जो सब कुछ हुआ, जो उसके नाजुक अज़ा पे तशद्दुद हुआ और वो छुरियाँ, वो कहाँ से आया सब कुछ, वो किसने किया? मैंने किया। यानी कि तुम इतने दूध के धुले नहीं जो ड्रामा कर रहे हो तुम मेरे सामने। नाजरीन, ये शख्स जितना ड्रामा कर रहा है और अब तक अपने बेटे को इसने फंसाने के लिए जितना खुद का मुंह बंद रखा है, ये सारी इसकी चाल इसी पे पलट जानी है, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर चुकी है सारा मामला।